तो हमारे इतिहास में दफन कितने लोग हैं जिनके नामों को अब हमने जानना शुरू किया, कितने लोग जानते थे माता सावित्रीबाई फुले को। अगर वो पहला विद्यालय नहीं बनाती तो सीमा कुशवाहा यहाँ पर आज शायद आप लोगों के बीच भाषण दे रही होती। शायद अगर वो विद्यालय नहीं बनाती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर के मैं निर्भया केस के लिए उस बेटी के लिए लड़ पाती, या जो लोग डिप्राइव है मेरे पास लोग आते हैं पीड़ित शोषित हैं उनकी मैं हकाधिकार की आवाज उठाती। लेकिन आज तक उनको भारत रत्न नहीं मिला। आज तक कितना लोगों ने पढ़ाया गया, कितना उनकी जयंती का सेलिब्रेशन होता है। जब लोगों को पता चला, टेक्नोलॉजी आई, एक छोटा सा चैप्टर जो आईएएस की जब हम तैयारी कर रहे थे उसमें था कि महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने पहला विद्यालय बनवाया, एक पेज में समेट दिया गया। इस देश की 50% आबादी के लिए अगर किसी महिला ने पहला विद्यालय बनवाया, यहाँ से उन्होंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, तो उनको हम इग्नोर कैसे कर सकते। तो ये तब हुआ जब टेक्नोलॉजी आई। और अब अगर महिलाओं की बात करें तो मुझे लगता है कि देश का ज़्यादातर वर्ग जो भी है ओबीसी एससी एसटी सभी उनकी जयंती को सेलिब्रेट कर रहा है। हमारे देश के अंदर अभी तक महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया गया। देखिए, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भले ही हमारे संविधान में 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ भारत में, करीब 2 साल 11 माह 18 दिन तक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, संविधान सभा था, उसमें बहुत लंबे समय तक डिबेट डिस्कशन चलता रहा कि जो लोग भारत में डिप्राइव हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको मुख्य धारा में हम कैसे जोड़ेंगे, जहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, जहाँ पर एक वर्ग, जहाँ पर एक क्लास बहुत आगे है, जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है, जिसके पास बिजनेस है, जिसके पास नौकरियाँ हैं, लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं है, वो भी आखिर हमारे देश के नागरिक हैं, तो उन नागरिकों को भी हम कैसे मुख्य धारा में जोड़ें, उनका जीवन स्तर कैसे अच्छा हो, एजुकेशन में वो कैसे आगे आएँ, सामाजिक स्तर उनका कैसे बेटर हो, इन सारी चीज़ों पर जब विचार हुआ तो एक सर्वे किया गया। और उस सर्वे में ये चीज़ क्लियर की गई कि एजुकेशनली एंड सोशली कौन लोग बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं। हमारे भारत के संविधान में जातिगत आरक्षण नहीं है, कि जातिगत आधार पर रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन जो दिया गया है वो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्डनेस के आधार पर दिया गया। लेकिन जब ये सर्वे किया गया कि देश के अंदर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड कौन लोग हैं, तो जब ये, क्योंकि जाति का जो सिस्टम था वो पहले से ही था, जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे पहले भी था, तो जो जातियाँ इस सर्वे में सबसे ज़्यादा डिप्राइव की पाई गई उनको रिजर्वेशन दे दिया गया। अब जो डिप्राइव जातियां हैं वो अभी तक भी, करीब हमारे संविधान को लागू हुए 70-75 साल हो गए, लेकिन अभी भी डिप्राइव ही है। तो शुरुआत में जो रिजर्वेशन था वो था एससी एसटी का। 340 जो आर्टिकल है जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की बात की गई, अब जब एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जाने लगा, फिर भी देखा गया कि हमारा देश अभी भी उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि जहाँ जिस देश के अंदर निरंतर जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और डिफरेंट डिफरेंट कास्ट क्लास हर चीज़ के रंग रूप में, केरल में देखेंगे हमारे लोगों की भाषा अलग है, क्षेत्र वहाँ पर हमारे अगर देखें कल्चर अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग है, तमिलनाडु में अलग भाषा बोली जा रही है, ठीक है, बिहार के हमारे भाई भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में डालने के लिए अलग संघर्ष करें, तो हमारे देश के अंदर जो विविधता है, इस विविधता को भी कैसे करके पिरोए रखा जाए और हमारा भारत अखंड रहे, इसके लिए किसी भी देश की जो सबसे बड़ी नींव होती है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको चीज़ों से, संसाधनों से वंचित ना रखा जाए। जो वंचित रहेगा वो एक दिन विद्रोह कर देगा। बहुत समय तक हमारे देश के अंदर अभी तक इंटरनली रिवोल्यूशन नहीं हुआ है, हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया। क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे भी अगर हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को, कि जैसे ही संविधान लागू हुआ हमने रिजर्वेशन दिया और कुछ लोगों उससे मुख्यधारा में जुड़े भी, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी संख्या है जिसको हम कह सकते हैं ओबीसी समाज, वो अभी भी वंचित है। आखिर जो रिजर्वेशन है, जब भी मुझे लगता है कि कुछ लोग जैसे रिजर्वेशन की बात होती है विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो मेरा उनसे एक सवाल है, अगर आप वाकई में हमारे देश को प्यार करते हो, अगर वाकई में आप चाहते हो कि मेरा देश इकोनॉमिकली बहुत ही नीचे ना रहे, हर वर्ग को आर्थिक रूप से हर वर्ग मजबूत हो, सामाजिक रूप से हर वर्ग मजबूत हो, तो इस देश के लोगों को मजबूत किए कोई भी देश कभी मजबूत हो ही नहीं सकता है। अब इस देश के जो डिप्राइव लोग हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, वो किसी भी कास्ट के, किसी भी क्लास के हो सकते हैं, लेकिन इन जनरली जब ये सर्वे किया गया था तो पर्टिकुलर जातियाँ निकल करके आई थी, तो फिर ये माना गया ना, और ये रियलिटी भी है कि कुछ पर्टिकुलर जातियाँ जो अभी भी डिप्राइव हैं, और वो जातियाँ जिस कैटेगरी में आती है उसको एससी एसटी माइनॉरिटी और
हम ओबीसी कहते हैं इन जनरल। और वो अलग बात है कि सरकार को लगा कि जनरल कैटेगरी में भी ईडब्ल्यूएस, तो उन्होंने उसको लागू कर दिया और इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ओबीसी रिजर्वेशन के साथ जब ये लागू हुआ मंडल कमीशन के बाद, तो एक सबसे बड़ी समस्या आई कि ओबीसी रिजर्वेशन 27% ओबीसी को दिया जाता है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात आए, उसको लागू करने की बात आए, तो मुझे नहीं लग रहा इस देश के अंदर कोई भी ऐसा राज्य है जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इसने इम्प्लीमेंट किया हो, लागू किया हो। आई थिंक आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित होंगे। और इसीलिए अभी मध्य प्रदेश में करीब 5-6 महीने पहले जब नगर पालिका के चुनाव हो रहे थे, तो वहाँ पर भी कहा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी का, वो सीटें डिक्लेयर किया जाए। अभी उत्तर प्रदेश के जब चुनाव होने वाले थे, लोकल बॉडी के, नगर पालिका वगैरह के चुनाव होने वाले थे, तो वहाँ पर भी लागू नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक पिटीशन फाइल हुई हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको लागू करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हमें जो अधिकार मिले, उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी हमें जाकर के कोर्ट कचहरी में लड़ाई करनी पड़ती है। अब इसके पीछे कारण क्या है? दो चीज़ें हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि ये जो हम भारत का संविधान लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा दस्तावेज है। इस संविधान के अंदर किसी भी जाति, धर्म, लिंग के किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा वर्णन किया गया है कि उसका विकास हो, उसका संपूर्ण विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो, सामाजिक आर्थिक रूप से हर तरीके से। लेकिन जो लोग इस संविधान को, जिनके कंधों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी कि उसको ये लागू करना है, अगर उसकी मंशा ठीक नहीं है, तो जो गोल, जो अचीव हमें 50 साल के अंदर ही कर लेना चाहिए था, वो अभी तक हम नहीं कर पाए। अब ये कौन लोग हैं? आ जाती है मंशा किसकी खराब है, तो शायद आप सभी लोग बैठे हुए हैं, आप सबको पता है, सब एजुकेशनली बहुत ही हायर एजुकेशन में हैं, प्रोफेसर भी हैं, यहाँ पर एक्टिविस्ट लोग भी बैठे हुए हैं, अध्यापक सभी लोग बैठे हुए हैं। तो आखिर ऐसा है क्यों? तो इसके पीछे मुझे लगता है कि पॉलिटिकल जो बिल पावर है या पॉलिटिक्स जो है, वो बहुत कुछ इस देश का निर्धारण करती है। एक SC ST कानून जो है 1986 में बना, और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरप्रिटेशन करके, उसमें निर्वचन करके, उसको एक तरीके से बहुत ही कमज़ोर कर दिया। ये बात है 2017-18 की, 18 की बात है। करीब लाखों की संख्या में लोग उतरे और तुरंत पार्लियामेंट ने उसको अमेंड करके एडिट कर दिया, पहले के जैसे कर दिया। क्यों करें? क्योंकि हमारी यूनिटी, यूनाइट होकर के लोग उतरे थे लाखों की संख्या में, अचानक से दिल्ली में चारों तरफ देखा। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि जो व्यक्ति अभी भी मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाया है, अस्पृश्यता अभी भी हमारे देश के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो उनके लिए तो लड़ना पड़ेगा। वो लड़ाई कट्टा बंदूक लेकर के नहीं लड़नी है, किसी को कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, मुझे लगता है कि जितनी भी समस्याएं हैं, कोई भी रूलिंग पार्टी है, कोई स्टेट में अलग रूलिंग पार्टी है, सेंट्रल में अलग है, जो लोग ईमानदारी से चाहते हैं कि हम अपने लोगों के लिए काम करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं, यूनाइट होकर के इस दिल्ली की धरती पर उतर जाइए 10 लाख की संख्या में, चाहे वो EVM वाला इशू हो, चाहे वो रिजर्वेशन वाला इम्प्लीमेंटेशन का इशू हो, हेल्थ सेक्टर में काम करने की बात आए, या जितने भी चीज़ें हैं। क्योंकि हमारे भारत की संविधान की जो प्रीएम्बल है, पहला शब्द ही है उसमें, हम भारत के लोग। भारत का संविधान, भले ही कुछ लोग जो थे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, जैसे एक एरिया का कोई सांसद है तो वो पूरे एरिया के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वैसे ही जब संविधान सभा बनी तो उसमें जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन वो किसके कर रहे थे? देश के लोगों के, नागरिकों का। इसीलिए पहला शब्द जो है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग शब्द में आप सभी लोग समाहित हैं, छोटा बच्चा भी समाहित है। अगर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसके लिए भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो जब लोग आप एकत्रित होकर के उतरेंगे, तो वही भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारत के संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं अभी तक, कि समय और परिस्थितियां जब बदलती हैं, लोगों के नए नए अधिकार आते हैं, नई नई समस्याएं होती हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है। जब संविधान बना तो इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, किसी ने ऐसे नहीं सोचा था कि इंटरनेट आज हमारा एक नेसेसरी अधिकार हो जाएगा। और जब संविधान, यहाँ जम्मू कश्मीर की एक पिटीशन आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि किसी को भी नेट की सुविधाएं देना उसका फंडामेंटल राइट है, किसी ने सोचा नहीं, संविधान में संशोधन किया गया बहुत सारी चीज़ों में। जब पहले हमारा संविधान लागू हुआ तो 1/3 था कि अगर किसी दल के 1/3 सदस्य कहीं चले जाते हैं तो दल बदल माना जाएगा।
तो उस मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, माना जाएगा नहीं माना जाएगा एक तिहाई से? देखा लोग आराम से पार्टी तोड़ करके चले जा रहे, तो फिर दो तिहाई कर दिया गया क्योंकि परिस्थितियाँ बदली। अब उसमें भी देखा जा रहा है कि भाई लोगों की तो पार्टी की पार्टी पूरी चली जा रही है एक व्यक्ति लेके, तो नए तरीके की चीज़ें हो रही। तो वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे कि जब दसियों लाख की संख्या में दिल्ली कर धरती पर उतरेंगे तो ईवीएम भी हटाई जाएगी, क्योंकि हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों ने जब संविधान लिखा है तो हम भारत के लोग ही उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारी ये समस्याएं हैं। टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी हो सकता है और लोगों का बिलीव नहीं है अगर ईवीएम में, तो फिर क्यों ना इसको हटा दिया जाए, बैलेट पेपर पे चुनाव कराए जाए। तो जितने भी ओबीसी के संगठन हैं, मुझे लगता है कि भारत ही नहीं, आज तो नेपाल के आप बैठे हों, वीर बहादुर मैते जी वहाँ पर एक्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं, सभी लोग, कि जब ये मुद्दा इतना ज़्यादा लोगों के बीच में है और सबकी समस्याएं हैं, तो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब एकजुट होकर के दिल्ली में क्यों नहीं उतरते, एक सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी को पता है 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है, सबको पता है रिजर्वेशन कैसे लागू किया गया, उसको कब हमें मिला, मंडल कमीशन आया, कालेलकर की रिपोर्ट आई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद ये सारी चीज़ें फैक्चुअल डाटा सबको पता है। लेकिन समस्या ये कि फैक्चुअल डेटा जो हम सबको पता है उसके बावजूद भी हम लोग संगोष्ठी करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, लेकिन लागू क्यों नहीं करा पाते हैं? तो उसकी एक बात यही आती कि पॉलिटिकली जो लोग हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं शायद वो इंडिपेंडेंट अपनी सोच की बात वहां नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का प्रोटोकॉल है, पार्टी लाइन है, तो फिर क्या किया जाए? बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं मुझे लगता है कि उनको बियॉन्ड पार्टी लाइन हट करके एक मुद्दे पर अगर एक साथ आ जाएंगी, जैसे कि आज का माहौल बना हुआ है, तो कुछ भी असंभव है। लेकिन आज तक मैं बहुत ही, ये हो सकता है कड़वा लगे, आज तक कभी भी जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं या जो भी पार्टियां इंडिविजुअली अपनी पार्टी के बैनर तले किसी भी हक अधिकार की बात कर रही हैं, मुद्दे आपके भी हैं, आपके भी हैं, आपके भी हैं, लेकिन जब यूनाइट होकर के आने की बात होती है तो हम नहीं आएंगे, क्योंकि वहां समस्या है कि लीड कौन करेगा, लीडर तो मैं ही बना रहूंगा। तो देखिए जिस भी देश के अंदर रिवोल्यूशन हुआ है, जिस भी देश के अंदर क्रांति हुई है और बहुत बड़े लेवल पे बदलाव हुआ है, आप देखेंगे एक आध लोगों का नाम भले ही हो गया हो, लेकिन जो हिडन रूप से लोग फ्रंट में भीड़ के रूप में आए, सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहा है। लीड दिशा तो कोई भी दे देगा, लेकिन उस दिशा देने वाले व्यक्ति के पीछे कितने लोग आकर के खड़े, जिनको ना अपने नाम की परवाह है, उनको कोई नहीं परवाह है कि हमारा नाम आगे आ जाए कुछ भी, और ये हमारे देश के अंदर जब देश आज़ाद हुआ तब भी ये हुआ।